मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टू जनहिंदी इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन बच्चों जनहिंदी बच्चों एंड वी विल रिकॉर्ड सम टेक बच्चों स्नेहल एंड मीनल आर द इक्वल पार्टनर स्नेहल एंड मीनल आर द इक्वल पार्टनर देयर बैलेंस इक्वल पार्टनर इन बच्चों रेशियो इज इक्वल ओके देयर बैलेंस इज एज फॉलो वी गॉट बच्चों कैपिटल ऑफ स्नेहल मीनल क्रेडिटर वी गॉट बच्चों बैंक लोन इज देयर बच्चों बैंक लोन इज आल्सो लायबिलिटी और इन द ब्रैकेट दे गिव इन द डेट द टेकन ऑन 1st January 2012 व्हेन दे हैव टेकन द लोन बच्चों 1st January 2012 को दे हैव टेकन द लोन एंड आवर बैलेंस शीट है 31st March है बच्चों तो जनवरी में आपने लोन लिया और 31st March का बैलेंस शीट है बच्चों तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का हो गया बच्चों लोन ना क्यों बोला बच्चों ये लोन लिया तो इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों मे बी अगर क्वेश्चन में रहेगा तो हम करेंगे बच्चों सो व्हेन द लोन टेकन ऑन 1st January इटसेल्फ बच्चों सो इंटरेस्ट स्टार्टेड तो जनवरी का इंटरेस्ट फरवरी का इंटरेस्ट बच्चों और मार्च तक का बैलेंस शीट है बच्चों तो 3 मंथ का इंटरेस्ट है बच्चों ओके इफ क्वेश्चन में बोला रहेगा तो करेंगे देन बच्चों प्रीमाइसेस इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट बिल रिसीवेबल डेटर्स ऑलरेडी इन द ओल्ड बैलेंस है बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट दे गिवन बच्चों डेटर्स 1,10,000 एंड लेस आरडीडी बच्चों कुछ कितना है 11,000 ओल्ड बैलेंस है बच्चों ओके ना गिवन बच्चों आरडीडी टू मेंटेन एट 5% ऑन डेटर बच्चों 5% बोला बच्चों दिस इज गिवन द ओल्ड बैलेंस क्या कर रहे हैं बच्चों ये ग्रॉस मॉन है इसको ग्रॉस बोलते हैं 1,10,000 इसका 5% बोल रहे हैं 1,10,000 5% बच्चों 55,500 है क्या बच्चों अरे तो दिस इज द ओल्ड आरडी बच्चों दिस इज ओल्ड आरडी एंड दिस इज द न्यू आरडी ओके दिस इज द ओल्ड आरडी और न्यू आरडी न्यू आरडी कम है ना बच्चों एंड द न्यू आरडी लेस प्रॉफिट बच्चों न्यू आरडी लेस इट इज प्रॉफिट न्यू आरडी अगर ज्यादा रहेगा इट इज अ लॉस तो ओल्ड आरडी 11,000 था बच्चों बट न्यू आरडी ओनली 5,500 तो न्यू आरडी इज अ लेस अपना प्रॉफिट है प्रॉफिट इज क्या एंट्री बच्चों प्रॉफिट इज रिवर्सन क्रेडिट साइड तो आरडी अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवर्सन When the new RDD is less, it is a profit. New RDD more, it is a loss. Okay, bachcho? And then, yeah, bachcho? Premises to be valued at 30,000. Premises valued at 30,000. So, premises 20,000, 500,000, bachcho? And its value 30 ho gaya, bachcho. Adjustment value diya, bachcho, means new value. So, new value diya hai 30,000. And old value 20,000, 500, bachcho. तो 9,500 का अप्रिसिएशन बच्चों है ना असेट बच्चों न्यू वैल्यू इज मोर या अप्रिसिएशन इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली इक्विपमेंट को बच्चों पूरा राइट ऑफ करो फुल्ली कैंसिल करो उसको तो इक्विपमेंट बच्चों 5,000 का असेट्स कैंसिल करना है तो अपने लिए क्या है प्रॉफिट लॉस असेट्स कैंसिल हो रहा है लॉस है बच्चों पूरा राइट ऑफ करने बोल रहा है तो लॉस ऑफ द रिवर्सन डेबिट साइड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज ड्यू ऑन द बैंक लोन देखो बैंक लोन पे ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग
W means outstanding. Interest at the rate of 15% per annum is due on bank loan. Bank loan पे 15% का interest due हो रहा है तो फिर bank loan का amount है 40,000. Bank loan 40,000. 15% interest है बच्चों. ओके और टाइमिंग कितना रहा है बच्चों? 3 months. मान लो क्यों? ठीक है लोन टेकन 1 जनवरी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 2 0 कैंसल 3 4 12 फोर वन जब कितना है बच्चों 1500 इंटरेस्ट है बच्चों. ओके और ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बच्चों. बैंक लोन पे इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस है बच्चों. आपने बैंक लोन लिया उस पर इंटरेस्ट यहाँ पे चलिए योर एक्सपेंस चलिए वैलेंस अकाउंट डेबिट साइड and then add to the bank loan book. Okay. Creditor allowed discount 1100 and they were paid off immediately. पूरा जो creditor बोल रहा है मैं 1100 का आपको discount देता हूँ लेकिन मेरे को immediately पूरा payment करो. Creditor कितना बच्चों 26,000. Creditor 26,000. Okay. लेकिन 1100 discount कितना balance आएगा 24,900. लाइबिलिटी पे अपना डिस्काउंट क्या बच्चों इनकम होगा लाइबिलिटी और डिस्काउंट या इनकम बच्चों. ओके फिर या इनकम ये डिस्काउंट अपने इनकम और इतना 24,900 का बच्चों इमीडिएटली पेड ऑफ. तो मतलब किसका आपने लिया 500 रुपये और अगर किसी के 100 रुपये डिस्काउंट देता है लेकिन बाकी के पैसे इमीडिएटली पे करो बस एक और 26 बच्चों 1100 इज डिस्काउंट सॉरी रेवेन्यू अमाउंट यू हैव पे पे करें तो क्या बच्चों कैश आएगा ही जा रहा है कैश गोज आउट 24,900 इज कैश गोइंग आउट. ओके तो कैश गोज आउट तो कैश गोज आउट क्रेडिट कार्ड गोज आउट कैश का अकाउंट दिस 1100 इज बच्चों आवर प्रॉफिट है ऑन लायबिलिटी डिस्काउंट इज अ प्रॉफिट ऑन एसेट डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस प्रॉफिट रिवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके ये पेमेंट किसको क्या बचाओगे क्रेडिटर ऑफ क्रेडिटर ऑन डेबिट टू कैश बैंक एंड टू रिवर्स. इसमें बहुत सारे जनरेटिव बच्चों पास द नेसेसरी जनरेटिव रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन. ओके ठीक बच्चों जर्नल ऑफ स्नेहर मीनर एंड कमल मेरे पास जनरल एंट्री होता है तो बैलेंस शीट में किसका जनरल एंट्री करेगा ओनली जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसका ही जनरल एंट्री करना है. रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को कल इतने का एंट्री करने है और किसी का एंट्री नहीं करना बच्चों. तो जनरल एंट्री करना तो बच्चों कुछ पोस्टिंग बच्चों कुछ नहीं करने है खाली रिजर्व एंड अगर कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो उसका एंट्री करना. ओके जनरेटर रहेगा बच्चों बैलेंस शीट से खाली रिजर्व रहेगा तो रिजर्व का एंट्री करो प्रॉफिट रहेगा तो खाली प्रॉफिट किसी का एंट्री नहीं करना कैपिटल क्रेडिटर बैंक लोन किसी का भी नहीं बच्चों
only reserves and profits. Okay, reserve तो है ना, अभी profits हो गया. तो आपका debit side तो assets हम तो assets हैं debit. That's why trade होता है. Old partner का आपका account debit profits. Okay. So देखो बच्चों, चल. Now क्या बोला बच्चों? He should bring capital. कितना है? Capital bring. क्या है जो capital bring का? Cash में account debit. Cash में account debit. तो कमल क्या करेगा? Cash में account debit तो कमल क्या करेगा? 15,000. पहले भी capital bring. अकाउंट रेज इन द बुक्स गुडविल अकाउंट रेज है जो गुडविल रेज क्या है एक्चुअली गुडविल रेज का सब में रिटर्न अप नहीं है ओनली गुडविल रेज तो गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट राइट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओन पार्टनर ओन का पार्टनर का मतलब स्नेहल कैपिटल अकाउंट एंड मिलो कैपिटल Snail capital and middle capital. When the snail capital that should become 14,000. Or equal ratio which way? Between 14,000, 20,000, 20. A. B. Goodwill raise. Then so RDD maintain 5% data. RDD maintain on 5% data. Then, so old RDD is how much? 11,000. Old RDD 11,000. Old RDD 11,000. New RDD is how much? 5% right? New RDD maintain 5% on data. Data का कौन सा amount लेनी बच्चों? Outer wall का मत लेना वो 99,000 नहीं लेना है बच्चों. You will take the gross amount बच्चों. Starting में कितना हमारा 1,10,000 उसको लेना बच्चों. Don't calculate on the net amount बच्चों. Always calculate on the gross amount. ये जो data था कल दिन करनी बच्चों 99 में नहीं करनी है. पूरा 1,10,000 बच्चों. 1,10,000 into 5%. That is 5,000. Now, bachcho, new RDD less hai na? New RDD less. New RDD is less than old RDD. जब new RDD less रहेगा बच्चों तो अपना profit है. New RDD less है तो profit है बच्चों. New RDD more रहेगा तो loss होता है बच्चों. तो new RDD less है तभी जब profit. कितना profit आएगा बच्चों? The difference. 11,000 and 500, 5,500 इसका difference होता है जो 5,500 का profit. Okay, so when you calculate the new RDD compare old RDD करते हैं new RDD ज़्यादा लगा हो जो तब मिले profit है. हाँ, new RDD अगर less लगा हो तब मिले profit है. Okay, profit तो क्या इंटरेस्ट है तो profit तो reversion credit side. डेबिट में क्या आएगा बच्चों? यू कैन राइट द आरडीडी और डेटा दो भी चलेगा. आरडीडी अकाउंट डेबिट और डेटा अकाउंट डेबिट दो भी चलेगा राइट है. कितना डिफरेंस आया बच्चों? 5,500. बी आरडीडी प्रोवाइडेड ऑन डेटा ऑन डेटा हमारा क्या करना बच्चों?
given or already 11,000 bachcho new order first calculate and compare new order code 11 bachcho 5,500 hai to new order is less than bachcho new order less than the code order bachcho ye ja profit difference bachcho 11,000 minus 5,500 kitna padta to new order less than bachcho to ye profit hota hai and profit ka entry bachcho RDD और डेटर जो डेटर अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवर्स और इसका जो है आपका ओके डेटर डेट जो प्रीमाइसिस वैल्यू डेट 30,000 प्रीमाइसिस वैल्यू डेट 30 ओल्ड वैल्यू जो 29,500 और एडजस्टमेंट वैल्यू जो न्यू वैल्यू दिया 30,000 आगे न्यू वैल्यू ज्यादा बचा असेट्स का असेट्स का न्यू वैल्यू ज्यादा बचा तो मेरे क्या प्रॉफिट है प्रीमाइसेस का ओल्ड वैल्यू कितना है 20,095 न्यू वैल्यू कितना है 30,000 अगर असेट्स का न्यू वैल्यू ज्यादा बचो तो मेरे क्या है प्रॉफिट है असेट्स न्यू वैल्यू इज मोर न्यू वैल्यू इज मोर जब मेरे क्या बचो प्रॉफिट ऐड बचो प्रॉफिट अगर क्या आएगा क्या करते प्रॉफिट तो रिवर्सन क्रेडिट साइन प्रीमाइसिस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट तो रिवर्सन बच्चों कितना प्रॉफिट होगा डिफरेंस कितना डिफरेंस 9,500 माइनस 20,000 पाने का प्रॉफिट क्या बच्चों बी प्रीमाइसेस अप्रिसिएटेड बच्चों प्रीमाइसेस अप्रिसिएटेड राइट दिन क्या है बच्चों इक्विपमेंट शुड बी रिटन ऑफ इक्विपमेंट को राइट ऑफ करने को इक्विपमेंट राइट ऑफ कर जो असेट्स को कैंसिल करो इक्विपमेंट का वैल्यू जो फायदा है वो कैंसिल हो जाए तो मैंने क्या है लॉस है उसको प्रॉफिट का एंट्री जो असेट्स टू रिवैल्यूएशन तो लॉस का एंट्री रिवैल्यूएशन टू असेट्स तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो असेट्स से दो का जो इक्विपमेंट फुल्ली राइट ऑफ फुल्ली राइट ऑफ तो पूरा राइट ऑफ होगा बी इक्विपमेंट फुल्ली राइट ऑफ इक्विपमेंट फुल्ली राइट ऑफ एंड शो शुड आई गो ओके देन क्या बच्चो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज ड्यू on bank loan interest at the rate of 50% is due on the bank loan due matlab outstanding hai bank loan pe interest outstanding hai apne income expense hai expense hai ab jab bank loan when you take the bank loan you took the loan on first day given the date the first january 2012 and what is the balance sheet date which is 31st march ఐటమ్ నోట్ లోన్ టేకెన్ ఆన్ జనవరి అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఇస్ మార్చ్ దట్ ఇస్ అప్రైల్ సర్ క్యా హోట్ జనవరి ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ 3 మహీనే కా ఇంటరెస్ట్ కవర్ హై సో బ్యాంక్ లోన్ అమౌంట్ ఇస్ గివెన్ 40,000 బ్యాంక్ లోన్ 40,000 కితా పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంటరెస్ట్ 15% పర్ యానమ్1,500 का इंटरेस्ट था 15% 1,500
इंडिकेटर है बच्चों पहला एक्सपेंशन का रिवर्सल अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अरे 50 नंबर डी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 15% पर क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू के क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1100 क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1100 एंड देयर वेयर टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली क्रेडिटर 1100 का डिस्काउंट है क्रेडिटर क्रेडिटर का टोटल अमाउंट कितना था बच्चों 26,000 उस पे डिस्काउंट है 1100 सो 24,900 ये बैलेंस क्या करना है पे करना है फिर बैलेंस पे लायबिलिटी पे डिस्काउंट हो जाए लायबिलिटी पे डिस्काउंट मिल क्या है प्रॉफिट हो जाए जितना प्रॉफिट है बच्चो कैसे करें बच्चो भी इंट्री पेड क्या थोड़ा इस गोइंग बच्चो पेड करा तो कैश हो जाओ ना कैश 24,900 आपने कैश किया राइट बच्चो फिर क्या बच्चो 11,000 इतना प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट है प्रॉफिट है तो रिवर्सन डेबिट क्रेडिटर जितने को टोटल 26 क्रेडिटर पूरा 26 हो गया बच्चों 1100 का डिस्काउंट हो गया अपने प्रॉफिट बच्चों एंड बाकी का बैलेंस जो पे बी क्रेडिटर पेड ऑफ पेड ऑफ एट डिस्काउंट राइट तेरे को बच्चा का क्रेडिटर का तो फिर ना बच्चों की डिटेल आठ पहला बैलेंस है जैसे ओल्ड बैलेंस ओनली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऑप्शन में देन बच्चों कैपिटल रेज में एंट्री हुआ फिर कैपिटल रेज करने एंट्री के बच्चों उन्होंने देन आरडी मेंटेन के न्यू आरडी हो चुका तो वो आरडी न्यू आरडी कंपेयर करो प्रॉफिट लॉस का एंट्री करना बच्चों देन प्रीमाइसिस का ओल्ड न्यू वाले कंपेयर भी करो मेन एप्लीकेशन कैपिटल एंट्री करने के लिए एक तो बैंक का पूरा राइट ऑफ रहता है बच्चों तो कैपिटल गेन से अपना लॉस लिया बैंक लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का बच्चों डायरेक्ट लोन पे एंड क्रेडिटर पे डिस्काउंट और बैलेंस के हो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक तो हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों इसके बाद तो ये क्या है इस समय बच्चों बैलेंसिंग नहीं बनाना है वेन द बैलेंसिंग नहीं ड्रॉ करना है बच्चों तो ओनली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस करना है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हाउ मच यू प्रॉफिट गेट बच्चों के थर्ड ईयर टू हो जाएगा रिवर्सल क्रेडिट
क्योंकि इस रिवॉल्यूशन का हम क्रिएट चाहते हो क्रिएट चाहिए अगेन रिवॉल्यूशन क्रिएट चाहिए 9500 क्रिएट रिवॉल्यूशन डेबिट साइड आई पुट डेबिट रिवॉल्यूशन डेबिट साइड रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड जनरेटिव को गो थ्रू करो बच्चों अगर रिवर्सन डेबिट में रहा तो डेबिट साइड में क्रेडिट में रहा तो क्रेडिट साइड में ठीक है बच्चों 20 पहला बच्चों ये टोटल डिसाइड मोर बच्चों 20 5 10 11 1 10 15 16 अगर बच्चों 10 13 16 ना 100 500 less करो तो 11 minus 5 6 15 9 9600 क्या हो गया बच्चों अपने प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट तो प्रॉफिट है बच्चों क्या आएगा दोनों पार्टियों ने सुन दोनों स्नेहल और मीनू को इक्वल रेशियो 4800 4000 क्या चो रिवर्स अकाउंट डेबिट रिवर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के अकाउंट इंटरनल नाइन बच्चों रिवर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर क्या है बच्चों स्नेहल कैपिटल टू मिनल कैपिटल ओके कितना बच्चों कैपिटल कितना रिवर्स अकाउंट डेबिट 9600 प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अपॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्डेस बस तो ओनली जनरेटिव बोला रहेगा बच्चों तो खाली कर रहे हैं पूरा जनरेटिव कंप्लीट करने के बाद देर आफ्टर वी हैव टू ड्रॉ द रफली रिवॉल्यूस अकाउंट कल हम सब देखेंगे बच्चों जब बैलेंस शीट को मैंने एक सम किया था बच्चों जनरेटिव एज वेल एज द बैलेंस शीट का बच्चों ओके मैं कल सम करूंगा बच्चों बैलेंस शीट एज वेल एज द जनरेटिव बच्चों बट यहाँ बच्चों जब बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है मैं जब बैलेंस शीट ड्रॉ करना है आस्क बच्चों ओनली रिवॉल्यूशन अकाउंट रफली ड्रॉ करना है और देखिए ना रिवॉल्यूशन से गो थ्रू करना है जनरेटिव कहीं तो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन चेक करो रिवॉल्यूशन 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 क्रिएट चेक करना बच्चों तो 5500 क्रिएट रिवॉल्यूशन अगेन क्रिएट चेक करो 9500 क्रिएट चेक रिवर्सन डेबिट साइड लिख रहा हूँ बच्चों 500 डेबिट साइड रिवर्सन डेबिट साइड है बच्चों डेबिट साइड तो बच्चों आज के आगे जो बच्चों रिवर्सन क्रेडिट साइड है ताकि बच्चों क्रेडिट साइड ये तो टोटल बच्चों 9600 ये बड़ा प्रॉफिट बच्चों ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो रिवर्सन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर बच्चों बच्चों ये क्या बच्चों मैंने खाली जाना एंट्री किया बच्चों इसको कोई बैलेंस ही नहीं बोला बैलेंस शीट नहीं है बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों बैलेंस शीट नहीं रहेगा तो खाली ओनली रिवर्स अकाउंट ड्रॉ करेंगे ओके आई विल पुट अ नोट बच्चों व्हेन ओनली जर्नल एंट्री आस ओनली जर्नल एंट्री एंट्री आस देन एट द एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट रफली एंड गेट प्रॉफिट ऑफ लॉस ओके व्हेन ओनली जनरेटिव आस देन एट द एंड प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन रफली बच्चों एंड गेट प्रॉफिट ऑफ लॉस बच्चों अगर बैलेंस शीट भी ड्रॉ करने वाला बच्चों या कैपिटल एडजस्ट करने बोलता तो अपने को और कुछ करना पड़ेगा बच्चों क्या करेंगे बाद में बताऊंगा देख सकते ओके okay?